दोस्तों, लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार के नेता हेट स्पीच देते हैं, किसी भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को लेकर बीजेपी सरकार के नेताओं को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और जमकर बेइज्जती की है। साफ तौर पर कहा है कि नेताओं की ये भाषा नहीं होती है। आप भी देखते हैं कि कैसे बीजेपी में लगातार नेता विवादित बयान देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इसी को लेकर अब हाई कोर्ट उनकी क्लास लगा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गीता का श्लोक कहा, एक नेता जो कार्य करता है आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है और जो भी मानक वह अपने कृत्यों के निर्धारित करता है उसका पालन उसकी प्रजा द्वारा किया जाता है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि विशेष रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीति और धार्मिक नेताओं की ओर से दी गई हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ है। ये संवैधानिक लोकाचार को बुलडोजर करते हैं, साथ ही भारतीय संविधान के तहत दिए गए समानता, समता, स्वतंत्रता और जाने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। यह संविधान के तहत निर्धारित मौलिक कर्तव्यों का घोर अपमान है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा पर हेट स्पीच का आरोप था और ये दोनों बीजेपी के, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की CMP नेता वृंदा करार की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपने फैसले में जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि व्यक्ति जन नेता है और उच्च पदों के पर आसीन है, उन्हें पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आचरण करना चाहिए। भारत जैसे लोकतंत्र में चुने गए नेता न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के प्रति बल्कि समग्र रूप से समाज, राष्ट्र के प्रति, अंततः संविधान के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और ये लोग आम जनता के लिए आदर्श होते हैं। इस प्रकार नेताओं को ऐसे कृत्य और भाषाओं में शामिल होने वाले उचित नहीं है जो समुदाय के बीच दरार पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करते हैं। और आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से देश में दंगे हो रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार की वजह से। दोस्तों, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हेट स्पीच विशिष्ट समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा, आक्रोश और भावनाओं को भड़काती है जिससे उन समुदाय के सदस्यों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। हेट स्पीच को लगभग हमेशा एक समुदाय की ओर लक्षित किया जाता है ताकि उनके मानव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके जिससे भय पैदा हो। हेट स्पीच लक्षित समुदाय के खिलाफ हमलों का शुरुआती बिंदु है जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, निर्वासन और यहाँ तक कि नरसंहार तक पहुँचता है। आज बीजेपी सरकार के नेता बीजेपी सरकार की सरेआम आलोचना करवा रहे हैं, उनके ही नेता लगातार विवादित बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से आज देश में दंगे का माहौल हो गया है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।